इस अंधापन मतलब इस शैतान ने लोगों को अंधापन कब से बनाए, कब से उसका शुरुआत क्या है, उसका शुरुआत क्या है करके हम देखते समय उत्पत्ति तीन अध्याय में उधर लिखा हुआ है। उधर सर्प ने हवा के पास आएगा, स्त्री के पास आकर उनको बहकाकर परमेश्वर के आज्ञा के मतलब परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के लिए इस शैतान की शक्ति उस स्त्री को बहकाकर धोखा देकर धोखा देने वाला बातों से उनको बहकाकर उनको परमेश्वर के आज्ञा तोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। उसमें से एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उत्पत्ति 3:5 हम देखने से वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाएंगे उसी दिन तुम्हारी आंख खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे। इधर का हम इधर सर्प मतलब ये जो सारे संसार का ईश्वर जो शैतान का शक्ति है, ये शक्ति क्या कर क्या किया, जो परमेश्वर ने पहला आदम को बनाया उसके बाद हवा को बनाया, दो स्त्री और पुरुष दोनों उस एक वाटिका में एदन वाटिका के वाटिका में रहते समय उन लोग अच्छा शांति के साथ परमेश्वर दिया आशीष के साथ साथ उन लोग अच्छी तरह रह रहा रहते समय इस जो शैतान की शक्ति उनके पास जाकर उनको बोलता है, एक जो परमेश्वर भी एक बात बोलता है उनको एक आज्ञा देता है, जो भले और बुरे ज्ञान देने वाला जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना करके परमेश्वर आदम और आदम को बताया, तो आदम अब्बा को बताया, उस बात को परमेश्वर ने उनको आज्ञा के तौर पर उनको दिया, ये फल आप नहीं खाना करके एक वाटिका में उनको रखकर ये फल आप नहीं खाना करके उनको समझाए, उनको आज्ञा दिया। आज्ञा देने के बाद उन्होंने क्या किया, आज्ञा देने के बाद कुछ दिन अच्छी तरह मतलब कुछ समय तक उन लोग अच्छी तरह परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए जा रहे, तो उसके बाद कुछ मतलब अचानक मतलब ये शैतान सर्प के रूप में सर्प को अपने वश में लेते हुए सर्प में होकर इस अव्वा के पास आया, स्त्री के पास आने के बाद वो बोलता है, पूछता है मतलब आप इस जो वाटिका है उसमें से कौन सा मतलब कोई फल मतलब कोई पेड़ का फल आप नहीं खाना क्या करके मतलब सवाल वगैरह पूछता है। पूछने के बाद अब स्त्री उनको जवाब मतलब उनको उत्तर देते हुए बोलता है हम पाला एक पेड़ है उसका फल नहीं खाना करके परमेश्वर हमको आज्ञा दिया करके बताने के बाद एकदम इस सर्प ने मतलब इस शैतान ने क्या किया, नहीं आप उस फल जब आप फल उस फल आप खाएंगे आपके आंखें खुल जाएंगे करके उनको बोलता है, उस फल खाने से आंख खुलेंगे करके उनको बोल दिया। बोलने के बाद उन लोग क्या सोचते हैं, तीन बातें उनको बताकर उनको क्या धोखा देने के लिए उनको प्रोत्साहित करते, तो एकदम हवा ने क्या किया उस बात को शैतान की बात को मानकर उस फल को लेकर उस फल को क्या किया खाने लगा। खाने के बाद और हवा आदम भी मतलब उस फल को खाया, दोनों पति पत्नी दोनों खाया। खाने के बाद क्या हो गया, उनकी आत्मिका के जो बुद्धि है ना उस बुद्धि को अंधापन आ गया, उनकी बुद्धि क्या हो गया अंधी हो गया। तब से मनुष्य में मतलब आत्मिक बातें समझ नहीं पाते या तो अंधे की वस्तुओं को देख नहीं पाते। जब से स्त्री ने अपने मतलब परमेश्वर के आज्ञा को ठुकराते हुए सर्प ने जो बातें बोला ना उस बात को मानकर उस बात के अनुसार जो मना किया उस फल को लेकर खाया, तब उनको क्या हो गया उनकी बुद्धि अंधी हो गया, उनकी बुद्धि तब से अंधी हो गया।
परमेश्वर के साथ का संपर्क या तो संबंध क्या हो गया, खो गया। तो परमेश्वर अपने अपने सृष्टि के साथ संपर्क रहते हुए, संपर्क रखते हुए उनके साथ संगति करना चाहता, मगर मनुष्य ने क्या किया, शैतान की बातें मानकर परमेश्वर के आज्ञा को टुकराते हुए उस फल को खाया। फल को खाते ही उनके मन क्या हो गया, अंधी हो गया। तो आत्मिक बातें समझ नहीं पाते, तब से परमेश्वर ने मतलब एक एक को नोवा या तो हानो मतलब अलग अलग लोगों को अपने आप को मतलब क्या किया, मतलब अपने आप को प्रकट करते हुए उनसे संगति करते आया। मगर सारे संसार में जो मनुष्य लोग हैं ना, उन सारे संसार के मनुष्य लोग क्या हो गया, अंधी, उनकी बुद्धि अंधी हो गया। उसके कारण परमेश्वर के आज्ञा के बारे में, परमेश्वर के मार्ग के बारे में, सच्चाई के बारे में उन लोग चिंता नहीं करता। मरने के बाद परमेश्वर के साथ रहना करके उनका चिंता वो नहीं रहता। तब से लेके मनुष्य के अंदर पूरा संसार के मन, संसार के देखी हुई वस्तुओं के बारे में बोझ, देखी हुई वस्तुओं के बारे में चिंता उनके मन में बने रहते हैं। इसलिए हर समय सोचते रहते हैं, मैं क्या करूं, मेरे अपने पत्नी के बारे में क्या करूं, पत्नी के लिए क्या करूं, बच्चे के लिए क्या करूं, मैं अपने लिए क्या करूं, कुछ बनाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ काम छुपाएंगे, ऐसा मतलब ऐसे बातों में मनुष्य पूरा क्या हो गया, डूब गया। तो अंधे की वस्तुओं को देख नहीं पा रहे, अंधे की वस्तुओं को देख नहीं पाते। परमेश्वर अपने कृपा से, अपने दया, अपने प्यार से कुछ लोगों को परमेश्वर ने, गिने चुने लोगों को परमेश्वर ने चलाते हुए आया, जैसे अब्राहम हो गया, जैसे इसराइली लोग आया, मतलब ऐसे कुछ लोगों को परमेश्वर ने चलाते आए। फिर भी सारे संसार उस दृष्टि के वश में पड़ा हुआ है, सारे संसार उस दृष्टि के वश में पड़ा हुआ है। इस संसार का ईश्वर ने क्या किया, सब लोगों का मन को अंधा बना के रखा, उनकी बुद्धि को अंधी करके रखा। क्यों, उनको सच्चाई मालूम नहीं चलना, सच्चा परमेश्वर के साथ, उनकी सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ उनको संबंध नहीं रहना, वो सब मतलब इसी दुनिया में डूबे रहना। इसलिए अभी मतलब कोई टाइम पास के लिए कोई फिल्मी गाना सुनना, या तो टाइम पास के लिए कुछ फिल्म्स देखना, टाइम पास के लिए मतलब अपने अपने कीमती समय को वेस्ट करने के लिए शैतान ने अपने टेक्नोलॉजी लेकर आया। सारे टीवी के सामने बैठेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक दिन कैसा गुजर जाता है मालूम नहीं चलता, कितने दिन गुजरते जाता है, महीने गुजरते जाता है, घंटों भर टीवी के सामने बैठकर उसी को वही जीवन करके सोचते हैं, मरने अभी क्या है, जो कुछ देखना देख लिया, अभी मरने तक क्या करना है, ऐसे ही टीवी के सामने बने रहे, बैठ के टीवी के सामने देख कर अपने समय पूरा बर्बाद करते हैं, उस अंधापन में ही अपने जीवन गुजारते जाते हैं। तो इसलिए आज का मतलब इस अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या चाहते हैं, अपने एक एक का बुद्धि को खोलना है, एक एक का मन को खोलना, एक उनके बुद्धि उनके मनों को खोल कर उनको सच्चाई मालूम करना, उसको ये है सच्चाई, ये झूठ है, ये सच है करके परमेश्वर आपके सामने रखना चाहता है, आपको आपके सामने बताना चाहता है, ये गलत है, ये सच, ये सही है करके आपको समझाना चाहता है। मगर उस बात को परमेश्वर ने मनुष्य को समझाना चाहता, फिर भी क्या है, इधर समस्या किधर आ गया, उनका बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखा, वो समझ नहीं पाते अभी। इसलिए परमेश्वर के सेवक लोग वचन बताते फिर भी उन लोग समझ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उनके मन को अंधी करके रखा है। उस अंधापन जब दूर हो जाएंगे ना, उसके बुद्धि उसके मनोनेत्र जब खुलेंगे तब क्या हो जाएंगे, उनको मालूम चलेगा हाँ ये सच है ये झूठ है करके उनको वो, और सच का और झूठ का अंतर उनको मालूम चलेगा। ये थोड़े दिन के लिए, ये युगानुयुग रहने वाला, सदा के लिए रहने वाला चीज है करके उनको अच्छी तरह मालूम चलता है दोनों के बीच का फर्क। अभी क्या है, एक ही चीज दिखेगा, आज धरती के ऊपर कुछ कमाना है,
कुछ नाम कमाना है, कुछ पैसा वगैरह, कुछ मतलब दौलत वगैरह कमा के बच्चों के लिए छोड़ के जाना है। मैं तो मर जाऊंगा, मैं मरने के बाद उन बच्चों के बारे में क्या है करके उनके बारे में LIC वगैरह का डाल के कुछ पॉलिसीज वगैरह डालकर उनको बच्चों के लिए पत्नी के लिए उनको कुछ करके जाएंगे करके सोचते हैं। मगर ये जाने वाला किधर जाता है? अपने अंधापन में मरने के बाद या तो पाप में मरने के बाद किधर जाता है? जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया वो स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप पाप में पड़ा है, आप पाप में डूबे हैं। परमेश्वर के वचन के खिलाफ का जीवन, परमेश्वर के मार्ग के खिलाफ का जीवन जी रहे, तो इस बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करके एक एक दिन को क्या नहीं करना, धक्का देते हुए चलाना नहीं, आज ही बदल जाना। आज ही प्रभु, आज मैं बदलता, आज मेरा बुद्धि और मेरा मनो नेत्र को खोले, आज ही मैं सच्चाई को जानना चाहता हूँ, पहले से बहुत देर हो गया, आज ही मैं परमेश्वर आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं बपतिस्मा लेते हुए आपके आपको पहनना चाहता हूँ, आपके मार्ग में चलना चाहता हूँ। इस पाप भरा जीवन, इस संसार का ये थोड़ी दिन में, थोड़ी दिन का ये जो जीवन है, इस जीवन को मैं इसको नहीं चाहता हूँ। मैं प्रभु आपके साथ युगानुयुग रहना, आज मरूंगा या तो कल मरूंगा, कब मेरे को मौत आएगा मुझे मालूम नहीं, जब मरेंगे प्रभु आपके कदमों में मैं रहना, मेरा आत्मा प्राण और आत्मिक तौर पर मैं आपके साथ रहना करके। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, आपको बुद्धि को जब खुले, आपकी बुद्धि खुलेंगे, तब परमेश्वर के सामने ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा, प्रभु आपको क्या करेगा, आपकी बुद्धि को खोलेंगे, आपके मनोनेत्र को खोलेंगे, प्रभु के सामने आगे, प्रभु के साथ, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इस अंधे की वस्तुओं के बारे में आपको चिंता का बात है। स्वर्ग को कोई नहीं देखा, मगर देखेंगे, स्वर्ग है करके वचन में पक्का लिखा हुआ है। जैसे हमेशा विश्वासी लोगों को समझाता रहता, जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखते समय उस वर्ल्ड मैप में अमेरिका के बारे में लिखा है और लंदन के बारे में लिखा है, या तो हर मतलब बहुत सारे देशों के बारे में, बहुत सारे करीबन 200 के ऊपर करीबन देश है, 200 करीबन, तो इन सारे देशों के बारे में मैप में लिखा है, उसको देखकर हम मानते हैं हाँ अमेरिका है। अमेरिका कभी नहीं देखा, लंदन को नहीं देखा, श्रीलंका को नहीं देखा, मतलब इस सारे मतलब देशों को नहीं देखा, फिर भी है करके हम मानते हैं। क्यों? उस मैप में देखने के कारण, या तो उस बात उस देश के बारे में सुनने के कारण। वैसे ही उस इस संसार में जो संसार के देशों के बारे में दिखाने वाला उस मैप में, जैसे इस धरती के ऊपर जितना भी देश है उस देश का नाम उधर लिखा है, वैसे ही इस पवित्र ये पुस्तक में, बाइबल में, पर स्वर्ग के बारे में लिखा है, परलोक के बारे में लिखा है। तो वो इसमें लिखा है, मतलब लिखने के बाद इसमें लिखा है, उस बात को सुनकर देखकर भी क्यों मानते नहीं? जैसे वर्ल्ड मैप में लिखा है, वो अमेरिका के बारे में इधर का उधर का लिखा है, उसको क्या करते हैं? हम समझते हाँ है, उस देश है। वैसे ही बाइबल में भी लिखा है स्वर्ग के बारे में, परलोक के बारे में लिखा है, नरक के बारे में लिखा है, तो उस लिखा हुआ उस बात को क्यों मानते नहीं? मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं। वर्ल्ड मैप में क्या, ये जिस देश के बारे में लिखा उस देश है करके हम पक्का मानते हैं। वैसे ही परमेश्वर सच बोलने वाला, परमेश्वर ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक के अंदर जो स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, सारे देशों के बारे में भी लिखा है, राजाओं के बारे में भी लिखा है, बहुत सारे बातों के बारे में इस बाइबल में लिखा हुआ है, इसराइल के बारे में लिखा है, इंडिया के बारे में लिखा है, सारे देशों के बारे में लिखा है। लिखने के बाद हम जो देशों के बारे में हम सुनते हैं उसी को मानते हैं, मत स्वर्गीय स्वर्ग के बारे में क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता। स्वर्ग और नरक रहता है,
जो पाप करता है वो नरक में जाएगा, जो पवित्र जीवन बिताएगा अपने जीवन को परमेश्वर को देते हुए, बपतिस्मा लेके परमेश्वर को यीशु मसीह को पहनते हुए उनके मार्ग में चलेंगे, सच्चा मार्ग में चलेंगे, सच्चाई में जीवन बिताएंगे, पवित्र रहेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। तो इसलिए समय ज़्यादा नहीं है, समय थोड़ा ही है, तो इसलिए बहुत देर हो चुका है, बहुत देर हो चुका है। दिन एक दिन एक दिन एक दिन करके धक्का ना दे, मैं विनती करता हूँ धक्का ना दे। कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा मतलब एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल आप धक्का देते हुए जाएंगे, पता नहीं कब क्या होगा, कब क्या होगा मालूम नहीं। इसलिए देर नहीं करना चाहिए। प्रभु के सामने आज ही गिड़गिड़ाए, आज ही प्रार्थना करे, प्रभु मुझे मेरा आंखों को खोले, मेरे बुद्धि को खोले, मेरे परिवार के बुद्धि को खोले, प्रभु तेरे दास को अभिषेक देते हुए आत्मिक तौर पर लड़ने के लिए कृपा दे, हमारा बुद्धि खोल जाए, हमारा बुद्धि खुल जाए, हमारा बुद्धि खुल जाए प्रभु, सच्चाई को जान के हुए, सच्चाई के सच्चा मार्ग में चलते हुए आपके पीछे चलने के लिए कृपा दे प्रभु। इतना इतना दिन हमारा बुद्धि अंधी होने के कारण आपके मार्ग में चल नहीं पाया, बहुत कुछ आपके खिलाफ के, आपके वचन के खिलाफ के काम हमने किया, इसलिए प्रभु हम माफ़ी चाहते हैं। प्रभु हमारे बुद्धि को खोले, अपने आप मेरे बुद्धि को खोले, मेरे मनोनेत्रों को खोले करके प्रभु के सामने आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी बुद्धि को खोलेगा। मैं सच्चा बोलता हूँ, दिल की गहराई से बोलता हूँ, ये सारे संसार थोड़ी दिन के लिए, ये सारे संसार थोड़ी दिन के लिए, सच्चाई क्या है, ये सारे संसार थोड़ी दिन के लिए, मौत आएगा। आप जो शरीर को देखभाल करते हैं ना, नहलाते हैं, पाउडर लगाते हैं, सारे कुछ इसको कपड़े पहनाते हैं, चप्पल पहनाते हैं, इसके बारे में खाना खिलाते हैं, जो कुछ करते हैं ना इस शरीर का, ये शरीर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, इस शरीर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इस शरीर को आप छोड़ देंगे, इस शरीर को आप छोड़ेंगे, आपके आत्मा प्राण किधर जाएगा, आपका आत्मा प्राण किधर जाएगा, आपका आत्मा प्राण किधर जाएगा, परमेश्वर आपके आत्मा प्राण नरक में जाना, आपके आत्मा प्राण को नरक में डालना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको उधार देना चाहता, परमेश्वर आपके दिल को बदलना चाहता, आपके जीवन को बदलना चाहता। सच्चाई जाने ये थोड़ी दिन के चीज़ों के बारे, थोड़ी दिन रहने वाली इस वस्तुओं के पीछे ना दौड़े। प्रभु आपको खिलाने के लिए या तो आपको संभालने के लिए प्रभु सामर्थ्य रखता है, तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके बुद्धि आपके मनोनेत्र खुल जाए, आपके बुद्धि आपके मनोनेत्र खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बुलाता है आपके दिल को खोलने के लिए, सच्चाई को आपको प्रकट करने के लिए प्रभु आपको बुलाता, आपके परिवार को उधार देना चाहता है, तो इसलिए इस संसार के ईश्वर के बातों में आना नहीं। इस संसार का जो शैतान की शक्तियाँ क्या करता है, लोगों को अंधा बनाकर, उनको गुलामी में रखकर उनको धोखा देते आ रहा, आप धोखा ना खाए, आपको आप तक प्रभु सच्चाई पहुंचा रहा, आप तक सच्चा वचन आप तक पहुंचा रहा, इसलिए आप धोखा ना खाए, प्रभु से आप विनती करें, प्रभु से प्रार्थना करें, इस अंधापन से आप छुटकारा पाना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, दिल को हल लगाना है तो पहले उस शैतान का जो कब्जा है ना, उस कब्जा से आपको छुड़ाना, उस बात के बारे में सारे कुछ बताना। तो इसलिए आपसे विनती करता हूँ, प्रभु आपको उधार देना चाहता है, प्रभु आपको अपने स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है, इसलिए और भी देर ना करें, आज ही परमेश्वर को प्रार्थना करें। प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस छोटी सी बाइबल क्लास को अपने चलाए उसके लिए धन्यवाद, जो कुछ बातें बताए हर एक दिल की गहराई में प्रभु, हर एक दिल की गहराई में वचन जाते हुए उनको एक अच्छा परिवर्तन उनके जीवन में लेकर आए, उनकी बुद्धि मनोनेत्र को खोले प्रभु, हर एक अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ,
जिस जिसका बुद्धि और मनोनेत्र को अंधी बना के रखा है, उस सारी बुद्धि को छोड़, यीशु मसीह के नाम से छोड़, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके आंखों को खोल देता हूं, मनोनेत्र को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। अभी उनके ऊपर सच्चाई प्रकट हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कर रोशनी उनके ऊपर प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्तियों को मैं दानता हूं, छोड़ उसकी बुद्धि को, प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार उनके जीवन में काम करे, तेरे मर्जी के अनुसार उनके जीवन में काम करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।